तो सबको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? रजत वरुण, आवाज सुनाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। तो लास्ट टाइम जो बताया गया था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में कहीं पर कोई भी थ्योरी में, थ्योरी वाले पार्ट में कोई डाउट हो या कोई इसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? कोई डाउट है तुम लोगों को? नहीं है, ठीक है। तो आज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तुम लोगों को। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी। इसके बाद हम लोग जीओसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? में जो भी डाउट होगा तुम लोग लेकर आओगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है जीओसी में, ठीक है? ओके। तो थर्मोडायनेमिक्स में किस पार्ट में तुम लोग डाउट बेटा, वो पार्ट में डिस्कस या फिर पूरा बता दो। सर एक बार पूरा ही बता दो, रिवीजन हो जाएगा। बेटा थर्मोडायनेमिक्स है, कुछ इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं, पहले हम जो टर्मिनोलॉजी उसको देख लेते हैं, ठीक है? जो टर्मिनोलॉजी बेटा इसमें नंबर वन टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है सिस्टम। तो सिस्टम में मालूम है सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? जहाँ पर तुम एक्सपेरिमेंट करते हो उसको तुम सिस्टम बोलोगे, और उसके सराउंडिंग को, है ना, उसके आसपास जो एरिया होगा जो सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है उसको तुम सराउंडिंग बोलोगे, ठीक है? तो सिस्टम और सराउंडिंग के बेसिस पर जो सिस्टम है वो तीन टाइपों का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एक सिस्टम मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, से यहाँ पर एक सिस्टम है इस तरह से, है ना? तो अगर यहाँ पर मास और एनर्जी दोनों सिस्टम और सराउंडिंग से एक्सचेंज होता है, ठीक है? तो अगर मास भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है तो ओपन होगा। और अगर केवल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, केवल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है लेकिन जो मास है सिस्टम के अंदर है तो उसको क्लोज सिस्टम बोलोगे। और अगर न तो मास न तो एनर्जी कुछ भी अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलोगे, ठीक है? तो तीन टाइप सिस्टम काफी बेसिक चीजें ये है। आगे जाते हैं, सराउंडिंग द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम विच कैन इंटरैक्ट विद इट, उसको सराउंडिंग बोलोगे। बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए जो वॉल होता है उसी को तुम बाउंड्री बोलोगे, ठीक है? एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। तो जो बाउंड्री हो सकता है बेटा वो इमेजिनरी बाउंड्री, जैसे यहाँ तुमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है ना, तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब और जो जिस रूम में तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये जो ग्लास का आउटर सरफेस तुमको दिख रहा है, ग्लास का जो सरफेस है ये तुम्हारा बाउंड्री हो जाएगा। जब तुम ओपन यहाँ पे देखो बेटा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर तुमने इस तरह से सर्कल टाइप का है, यहाँ पर एक इमेजिनरी बाउंड्री बाउंड्री है, ठीक है? तो बाउंड्री हो सकता है कि इमेजिनरी हो, बाउंड्री हो सकता है कि तुम्हारा हार्ड हो, है ना, कुछ भी उस तरह है हो सकता है तुम्हारा बाउंड्री। कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स, वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिफाइंड इन ऑर्डर टू डिफाइन द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, मास, सरफेस एरिया एटसेट्रा, और स्टेट वेरिएबल, ठीक है? तो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, याद रहे बेटा, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो जो वेरिएबल चाहिए। ये तुमने एक सिस्टम ले लिया, अभी सिस्टम को तुम्हें डिफाइन करना, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, ठीक है, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो ये सब जो वेरिएबल है इन सब वेरिएबल को स्टेट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ दिया गया है प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एटसेट्रा, दीज आर स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन क्या बेटा, स्टेट वेरिएबल को मिलाकर अगर तुम एक फंक्शन बनाते हो, जो स्टेट वेरिएबल है यहाँ पर पी वी टी सबको मिलाकर तुम एक फंक्शन बनाओ, तो उस फंक्शन को हम लोग स्टेट फंक्शन बोलेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ आर नोन एज स्टेट फंक्शन, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन बेटा एक बात और है कि ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। बीच में जो पाथ है, जिस पाथ से तुम सिस्टम को ले जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये केवल और केवल
सिस्टम पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। उसी तरह पाथ फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन इनिशियल फाइनल पॉइंट के अलावा ये पाथ पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए इसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। पाथ फंक्शन में केवल दो वेरिएबल है तुम्हारे पास, एक है हीट, दूसरा है वर्क। ठीक है, हीट और वर्क जो है ये पाथ वेरिएबल है। ठीक है, पाथ फंक्शन भी इसको बोलते हैं, पाथ वेरिएबल और पाथ फंक्शन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब मास इंडिपेंडेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ए टेंपरेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हिच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम दैट इज वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ठीक है, तो दीज आर एक्सटेंसिव, सब बेटा मास पर डिपेंड करेगा। एक और इसमें प्रॉपर्टी होता है बेटा, अगर तुम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए, अगर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दोगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगा। प्रोसेस पाथ अलॉन्ग व्हिच स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेस। ठीक है, तो जिस पाथ से तुम सिस्टम को चेंज करा रहे हो, जैसे ए से बी तुम जा रहे हो, ठीक है, इसके अलग अलग पाथ, जैसे कांस्टेंट प्रेशर एक पाथ हो गया, दूसरा एक कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ हो गया, तीसरा है ना, इस तरह से तुमने कांस्टेंट टेम्परेचर पाथ एक अज्यूम किया या फिर एक रिवर्सिबल पाथ अज्यूम किया, ये सब जो अलग अलग पाथ है, तुम स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ तुम जा रहे हो और अलग अलग पाथ के थ्रू तुम जा रहे हो। ठीक है, तो इसको तुम क्या बोलोगे, प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, इससे बारे में ज्यादा बताने जरूरत है नहीं। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर। एडियाबेटिक मतलब जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस तो अगर ए से स्टार्ट होकर फिर से वापस वहीं पर आ जा रहा है, जो सिस्टम है जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर वापस आ गया, तो उसको तुम बोलोगे साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, है ना, तो प्रोसेस ड्यूरिंग विच द सिस्टम ऑलवेज डिपार्ट्स इनफाइनिटेसिमली फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज इट्स डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड एट एनी मोमेंट। ठीक है, मतलब अब अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हो तो उसको तुम बोलोगे रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इरिवर्सिबल। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज फास्ट, याद रखना बेटा, फास्ट मतलब इरिवर्सिबल, अगर बहुत ही स्लो हो, ठीक है, तो अगर ही बहुत ही स्लो या इनफाइनिटेसिमली स्लो प्रोसेस अगर हो रहा है तो रिवर्सिबल होगा, नहीं तो फास्ट या मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये सब बेसिक टर्म्स है ना, तो इसको तो मालूम होना ही चाहिए क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता ही है। ठीक है, सिंपल, हाँ बोलो। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोल सकते हैं ना? ये बेटा जो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल में होता है, स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल दोनों में होता है। ठीक है, हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों कहीं पर भी इससे बोल सकते बेटा। ठीक है, जनरली जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस ही होता है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी रिवर्सल प्रोसेस है ना जो नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। आ जाते हैं हीट, एनर्जी एंड वर्क, लेकिन यहाँ पे जान लें बेटा कि मोस्टली जितने भी होते हैं रिएक्शन रिवर्सल प्रोसेस के वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक, मोस्टली तो ऑल नेचुरल प्रोसेस को यहाँ लिखा हुआ, ऑल नेचुरल प्रोसेस और जो नेचुरल प्रोसेस बेटा स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, हीट, एनर्जी एंड वर्क, तो ये भी तुम्हें देखना बेटा हीट, एनर्जी और वर्क क्या है। तो हीट है ना, तो हीट एक टाइप का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अगर एक एनर्जी जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो ड्यूरिंग द ट्रांसफर उस एनर्जी को हम लोग हीट बोलेंगे। ठीक है, उसको हीट बोलेंगे, ड्यूरिंग द ट्रांसफर जो एनर्जी होगा वो हीट होगा। ठीक है, तो इतना हीट यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, इसलिए हीट को ट्रांसफर एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर।
heat added to a system is given by positive sign, whereas heat extracted from a system is given negative sign. It is an extensive property. याद रखना extensive property मतलब mass dependent है. It is not a state function. अगर extensive है तो state function नहीं होगा. ठीक है. Energy. It is capacity of doing work. Energy is an extensive property. Again extensive property बेटा है ना. And unit यहाँ पर joule energy बात तुम जानते हो अच्छे से फिजिक्स में तुमने पढ़ा हुआ energy क्या होता है. ठीक है. तो आगे है work. वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ये फ्रीएक्स का फॉर्मूला है फ्रीएक्स. दूसरा है वर्क डन ऑन द सिस्टम इज गिवन बाय पॉजिटिव साइन व्हाइल वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन नेगेटिव साइन. तो याद रखो बेटा देखो हम लोग अगर बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि तुम लोग फ्रीएक्स भी पढ़ चुके हो केमिस्ट्री भी पढ़ चुके हो जो साइन कन्वेंशन है हमेशा कन्फ्यूज करता है फ्रीएक्स में भी और केमिस्ट्री में भी कहाँ पर कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करें. ठीक है. तो देखो बेटा जो फिजिक्स है फिजिक्स सराउंडिंग होता है. याद रखो फिजिक्स सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करता है. और अगर तुम केमिस्ट्री की बात करोगे जो केमिस्ट्री है बेटा वो सिस्टम होता है सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करोगे. ठीक है. तो अगर सराउंडिंग में एनर्जी बढ़ रहा है तो प्लस होगा अगर सराउंडिंग का एनर्जी कम हो रहा तो माइनस होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. अब केमिस्ट्री हम लोग हमेशा केवल और केवल सिस्टम देखेंगे. ठीक है. तो केवल यहाँ पे तुम्हें सिस्टम देखना है हीट गिवन टू द सिस्टम. अगर तुमने सिस्टम को हीट दिया तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा है ना. तो साइन क्या होगा प्लस. हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम अगर तुमने सिस्टम से हीट निकाल लिया तो क्या होगा यहाँ पर माइनस. ठीक है. क्योंकि सिस्टम का एनर्जी कम हो गया. उसी तरह से वर्क डन ऑन द सिस्टम तुमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया. ठीक है. तो अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा है ना प्लस. वर्क डन बाय द सिस्टम अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो वर्क करेगा मतलब एनर्जी लूज करेगा सिस्टम है ना माइनस. ठीक है. तो यहां से याद रखना फिजिक्स मतलब सराउंडिंग केमिस्ट्री मतलब सिस्टम. ठीक है. तो वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव क्योंकि सिस्टम अगर वर्क करेगा तो उसका एनर्जी कम होगा. तो यहाँ पर समझ में आ गया साइन का ज्यादा कुछ तुम्हें याद करने जरूरत नहीं होगा यहाँ पर. ठीक है. तो मैकेनिकल वर्क और प्रेशर वॉल्यूम वर्क वर्क एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर. तो जो पीवी वर्क होता है ना पीवी वर्क को मैकेनिकल या फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं. और केमिस्ट्री में यही मैकेनिकल वर्क ही पढ़ना होता है. ठीक है. पीवी वर्क हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर. ठीक है. तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस है ना वी वन टू वी टू पी डी बी. तो ये वर्क का फॉर्मूला है ना ये वाला यहाँ पर वाले में तुम्हें. ठीक है. साइन याद रखना बेटा यहाँ नेगेटिव साइन पहले आया है. तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंट्रेक्शन ऑफ एन आइडियल गैस. तो अगर कंट्रेक्शन हो रहा तो क्या होगा यहाँ पे देखो बेटा सेम फॉर्मूला है. ठीक है. कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंट्रेक्शन हो अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सेम फॉर्मूला लगेगा. ठीक है. फोर और फाइव जो फॉर्मूला सेम है. यूनिट क्या होगा वर्क डन वर्क का जूल होगा. ठीक है. इंटरनल एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी बेटा यही से तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होता है. इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जी ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम. ठीक है. तो जितना एनर्जी है हर एक एनर्जी को सम कर दो है ना. से किसी सिस्टम में कौन कौन सा एनर्जी होता है तो डेल्टा ई या फिर इसको ई से या फिर कभी कहीं डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. इंटरनल एनर्जी यू को यहाँ पर बेटा बॉन्ड एनर्जी होता है यहाँ पर है ना बॉन्ड एनर्जी प्लस यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी होता है बेटा वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी तो मैंने दिया पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है यहाँ पर है ना. तो अलग अलग यहाँ पर ढेर सारे एनर्जी होगा उन सबको जब सम करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा इंटरनल एनर्जी. ठीक है. सो जो E है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर जो यहाँ पर हम लोग U लिखेंगे क्योंकि तुम्हारे बुक में U लिखा हुआ है. तो जो इंटरनल एनर्जी U है डेल्टा U ये एक स्टेट फंक्शन याद रखो स्टेट फंक्शन है मतलब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा A और B पर डिपेंड करेगा किस पाथ से तुम जा रहे हो आइसोथर्मल पाथ है या फिर आइसोफोरिक पाथ है या फिर आइसो वॉल्यूम पाथ है
कौन से पाथ से तुम ए से बी जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर तुम ए से जा रहे हो फिर वापस ए पर आ गए तो डेल्टा यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो होगा। तो इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जो यू है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। वैल्यू ऑफ डेल्टा इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक एंड इट इज पॉजिटिव फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो तुम्हें मालूम है कि जो इंटरनल एनर्जी है किस सिस्टम के लिए, किस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। वही हीट डेल्टा एच भी, जो डेल्टा एच का साइन है वही डेल्टा ई का साइन यहाँ पर होगा, ठीक है। याद रखो जो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑपरेशन का साइन है वही डेल्टा ई का साइन होगा। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा ई भी पॉजिटिव होगा। तो आगे यहाँ पर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखो, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर बेटा ये फिजिक्स वाला फॉर्मूला दे दिया गया है, यहाँ पर तुम याद रखो केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला है उसको याद रखोगे, है ना। केमिस्ट्री का फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला है ना इसको तुम याद रखोगे। तो ये फिजिक्स का है, फिजिक्स का भूल जाओ, गलती से यहाँ पर आ गया है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, जो अलग अलग प्रोसेस है उसमें तुम देख रहे हो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, फॉर सिस्टम इन्वॉल्विंग मैकेनिकल वर्क ओनली, अगर केवल मैकेनिकल वर्क अगर पी वी वर्क हो रहा है तो डी यू क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू क्यू हीट गिवेन और हीट ट्रांसफर माइनस पी डी वी, क्योंकि जो डब्ल्यू डी डब्ल्यू था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी होता है, इसको रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो डी वी है वो जीरो हो जाएगा, अगर डी वी जीरो रखोगे तो डी यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा, डी यू इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये बी कैसे आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये डेल्टा इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। डेल्टा ई याद रखो बेटा, जो डेल्टा ई यहाँ लिखा हुआ है वो डेल्टा यू के जगह पर लिखा हुआ है, पर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो एन सी बी डेल्टा टी ये होता है डी यू। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी टी जीरो हो जाएगा, है ना, तो मतलब कि जो डी यू है वो जीरो हो जाएगा। अगर डी यू जीरो है तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा बेटा, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा। मतलब जो प्रोसेस है वहां पर उस कंडीशन को यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। एंथैल्पी आते बेटा, एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, है ना, एच होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यहाँ पर ई प्लस पी वी लिखा हुआ है। अगर इसका डिफरेंशियल लोगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ठीक है। और अगर गैस है तो गैस के लिए हम लोग डेल्टा पी वी क्या होगा, यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ एन जी आर टी, ठीक है। अगर केवल गैस है तो गैस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, ये फॉर्मूला है यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डी वी। हाँ तो अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर है, हाँ बेटा बोलो, रिफात का मैसेज आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। कौन नहीं ज्वाइन कर पा रहा बेटा, यथार्थ, यथार्थ यहाँ पर अकेडमिक्स कोई है नहीं है ना, अकेडमिक्स कोई है यहाँ पर, अकेडमिक डिपार्टमेंट कौन है, हर्ष, हर्ष मधु कोई है, एक बार
कमेंट करना या तो देखो। यथार्थ तो आ गया, यथार्थ सर अभी आया हूँ। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था क्या तुम्हें? सर वो ज्वाइन नहीं हो रहा था, बार बार कह रहा था आस्किंग टू ज्वाइन। ओके ओके ठीक है। तो आगे चलो बेटा, कांस्टेंट प्रेशर का तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे सो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पांच में प्रेशर है तो पी बाहर आ जाएगा पी डी वी। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पी हो जाएगा फॉर्मूला ना, तो डिफरेंशिएट करना क्यों दिया जाएगा। फॉर द सिस्टम इन्वॉल्विंग मैकेनिकल वर्क को लेगा, केवल मैकेनिकल वर्क हो रहा है, पी वी वर्क हो रहा है ना, तो वहां पर डी एच इज इक्वल टू क्यू पी, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर डी एच इज इक्वल टू क्यू पी। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, मतलब कि अगर मैकेनिकल वर्क हो रहा है ना, तो डी एच होगा डी एच इज इक्वल टू क्यू, कांस्टेंट प्रेशर ही हो जाएगा। ठीक है, तो डी एच क्या होगा बेटा, तो डी एच इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखो बेटा डी एच डेल्टा एच या फिर डी एच होगा चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे जो पी है या फिर सबस्क्रिप्ट होगा यहाँ पर स्मॉल पी होगा, तो हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डी एच और डी में जो रिलेशन है मैंने ऊपर लिखवा दिया था ना, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी एच इज इक्वल टू डी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये डेल्टा एन जी है, डेल्टा एन जी आर टी, ये केवल और केवल गैसियस रिएक्शन के लिए होगा, तुम्हारा रिएक्टेंट और सबके सब गैसियस स्टेट में है तभी ये रिएक्शन एप्लीकेबल होगा। जैसे तुमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स सी ए ओ प्लस सी ओ टू। ठीक है, तो डेल्टा एन जी इसके लिए कितना होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर गैस केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है सॉलिड है, तो ये जीरो हो जाएगा इसका प्रेशर है ना, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी सॉलिड है तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एन जी यहाँ क्या होगा बेटा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एन जी केवल गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक बेटा, अगर कोई भी गैस नहीं, किसी भी रिएक्शन में कहीं पर भी गैस नहीं है तो ये जो रिलेशन है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखा हुआ डेल्टा एन जी क्या होता है, डी एन जी यहाँ लिखा हुआ है, ये डेल्टा एन जी होगा, यहाँ पर डेल्टा एन जी। ठीक है, तो डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है, डेल्टा एन जी होगा। ठीक है, इसको रख कर तुम निकाल लोगे, तो अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना तो यहाँ पर स्मॉल डी लगा दोगे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाना है यहाँ पर तो यहाँ पर डेल्टा लगाकर यूज कर लोगे, इसलिए डेल्टा से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसलिए हम डेल्टा लगाते हैं। ठीक है, कैसे भी डेल्टा लगाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसमें से कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा जहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा, तो जहाँ पर इंटीग्रेट करना है वहाँ पर स्मॉल डी लगा के यूज करोगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बना के यूज करोगे, और अगर इंटीग्रेट नहीं करना है तो डेल्टा लगाओगे, केमिस्ट्री में इंटीग्रेट नहीं करना होता है तो यहाँ पर डेल्टा वाला जो फॉर्मूला वो चलेगा। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर फॉर द सिस्टम बाई वन डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट तुम दोगे उसी को हीट कैपेसिटी बोलोगे। तो हीट कैपेसिटी को सी से लिखा जाता है बेटा, डिफरेंट किया सी से, Q is equal to heat given to the system per degree Celsius. ठीक है, एक डिग्री सेल्सियस हीट है ना, एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो तुमने हीट दिया उसी को तुम बोलोगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। यहाँ पर 1 ग्राम आ गया, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, और उसको सी एस से रिप्रेजेंट करोगे आप, सी एस और फिर इसमें केवल स्मॉल एस रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यहाँ पर जो एस था बेटा क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इसको क्या लिखोगे, क्यू इज इक्वल टू एम सी एस डेल्टा टी, तो ये सी एस मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ठीक है। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यहाँ पर केमिस्ट्री में वो दो टाइप का होता है, यहाँ पर है ना, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, दूसरा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको तुम सीवी से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सीपी क्या होगा बेटा, सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीवी मतलब जो सीएमपी है उसको तुमने, ये सीएमवी को तुमने सीवी लिख दिया, और सीएमपी को तुमने क्या लिख दिया बेटा, सीवी सीपी लिख दिया, ठीक है। तो सीपी माइनस सीवी, ये तुम्हें मालूम है मेयर्स फार्मूला होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ठीक है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये आइडियल गैस के लिए है, ओनली फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस फॉर्मूला यूज करोगे, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो सीपी क्या होता है, सीपी तुम डिफाइन करोगे, सीपी इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड सीवी सीवी इक्वल टू डी एच, एक मिनट बेटा, सीपी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर है यहाँ पर, सीपी इज इक्वल टू डी एच, ठीक है। यहाँ पर डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड सीवी इज इक्वल टू डी एच, सीवी बेटा यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए यू आएगा यहाँ पर, सीवी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू, अगर एन मोल्स के तुम इसको बना रहे बेटा तो एन मोल्स के लिए जो डी यू होगा, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर डी एच क्या होगा, डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, एन मोल्स के लिए एन सी पी डी टी क्या होगा, डी एच। तो ये दिया गया यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये डी सी पी से फॉर्मूला दिया गया है, मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, डी ऑफ सी पी इक्वल टू डी एच टू माइनस डी एच वन, डी एच वन डिवाइड बाई डी टू माइनस डी वन। तो अगर जरूरत होगा तो इसको यूज करोगे, इसको किरचॉफ्स फार्मूला ही बोलते हैं, किरचॉफ्स फार्मूला, किरचॉफ्स इक्वेशन बोल दो, यहाँ पर इक्वेशन है तो किरचॉफ्स इक्वेशन। उसी तरह जो सी पी जहाँ तुमने लगाया वहाँ पर सी वी लगा दोगे, डी सी वी इज इक्वल टू, बस यहाँ पर जहाँ पर सी वी है वहाँ पर इंटरनल एनर्जी जाएगा, डी यू टू माइनस डी यू वन डिवाइड बाई डी टू माइनस डी वन, ये फार्मूला है। तो जो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, फार्मूला तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, इस फॉर्मूले में जो न्यूमेरिकल है बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो देख लेना, याद कर लो फॉर्मूला। तो इसके बाद कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का एग्जांपल यहाँ दिया गया है, डायग्राम बनाया गया है। तो ये जो है इसी को बॉम्ब बोलते हैं, यहाँ पे जो ग्लास का बना हुआ है ना, एलईडी बल्ब टाइप का, इस बल्ब को बॉम्ब बोलते हैं। और अगर तुम यहाँ पे एक्सप्लोर कराओगे, यहाँ पे इग्निशन वायर दिया गया, यहाँ पे तुम करंट लगाकर जब करंट यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग से जो मटेरियल यहाँ पर है वो बर्न होगा, ठीक है। जब बर्न होगा, कभी कभी इतना बर्न हो जाता है कि ये बल्ब टूट जाता है, इसलिए इसको बम कैलोरीमीटर बोलते हैं, ठीक। ये बम वर्ड यहाँ पर दिया गया, बम है ना, इसी से दिया गया, क्योंकि ये टूट जाता है और आवाज करता है। तो हीट एक्सचेंज, तो देखो बम कैलोरीमीटर में जो हीट कैपेसिटी है ना, यहाँ पर जेड वैल्यू लिखा रहेगा, जेड वैल्यू कितना है, ठीक है। और थर्मामीटर से तुम टी मेजर करोगे, जो डेल्टा टी है यहाँ से देख लोगे कि कितना जो टेम्परेचर एक्सचेंज हुआ, टेम्परेचर टी वन से टी टू हो गया, डेल्टा टी मालूम हो जाएगा। तो हीट एक्सचेंज, जो हीट यहाँ पर है तुम्हें मालूम चलेगा कि हीट कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो हीट एक्सचेंज है तो तुम्हें मालूम चलेगा डेल्टा इज इक्वल टू है ना, यहाँ से मालूम चलेगा हीट कितना होगा, ठीक है। आगे है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, थर्मोकेमिस्ट्री है बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पहले आ जाते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, तो वन मोल सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगेगा है ना, तो एनर्जी व्हेन वन मोल ऑफ गिवन कंपाउंड इज फॉर्म्ड
फ्रॉम इट्स एलिमेंट आरोनाइज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे अगर बात किया जाए वाटर का, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है ना, लेकिन ये वाटर का फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं है। वाटर का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना हो तो वन मोल वाटर तुम्हें बनाना है। वाटर कितना होना चाहिए? वन मोल। पहले तो प्रोडक्ट लिख लोगे, जो बनाना हो तो बना लोगे। अब इसको कैसे बनाना है बेटा? वाटर जो लिक्विड है इसको तुम कैसे बनाओगे? इसको तुम बनाना बेटा इसके एलिमेंट से। यहाँ पे एलिमेंट क्या? हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे एलिमेंट क्या बेटा? ऑक्सीजन। तो वन बाई टू ओ टू, तो ये क्या होगा? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे टू नहीं रहेगा, ये टू गलती से आ गया, तो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हें बनाना हो है ना एसिटिक एसिड बनाना हो, CH3COOH, इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी तुम्हें लिखना हो, तो अब यहाँ पर क्या है? कार्बन है, तो दो मोल कार्बन लोगे यहाँ पर कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होगा? H2 होगा है ना, दो मोल H2 तुम्हें ले लिया। ऑक्सीजन क्या होगा? O2 होगा है ना, तो साथ में इसका फिजिकल स्टेट भी तुम्हें लिखना होगा। ठीक है, कार्बन सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन गैस स्टेट में, ऑक्सीजन गैस स्टेट में, तो जो CH3COH है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। उसी तरह से यहाँ पर है एंथैल्पी ऑफ कंबसन। अगर कंबसन एंथैल्पी की बात किया जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कंबसन एंथैल्पी का। ठीक है, मीथेन को तुमने बर्न किया तो काफी इजी होगा बेटा यहाँ पर है ना, जिसको तुम बर्न करोगे उसका वन मोल लोगे यहाँ पर। ठीक है, और तुम्हें मीथेन को बर्न करना है तो मीथेन का वन मोल लोगे, जिसको तुम एक्सिस ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो मीथेन को बर्न करोगे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जो हाइड्रोजन है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अदर को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जिसको बना रहे हो उसका वन मोल लेना है, एंथैल्पी ऑफ कंबसन में जिसको तुम बर्न कर रहे हो वो वन मोल रहेगा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन याद रखिए बेटा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी चेंज व्हेन वन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ए बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वन डिक्लोरेंट एसिड अगर वन डिक्लोरेंट बेस से रिएक्ट करेगा तो उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलोगे। ठीक है, जैसे NaOH ले लिया, वन इक्विवेलेंट NaOH वन इक्विवेलेंट HCl से अगर रिएक्ट करेगा है ना, तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तुमसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलोगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है बेटा 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है। अगर तुमने वीक एसिड या वीक बेस ले लिया, कोई भी एसिड या बेस अगर तुमने वीक ले लिया तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कम हो जाएगा। मान लो तुमने वीक एसिड ले लिया, ठीक है, तो वीक एसिड में क्या होगा? तुमने ले लिया यहाँ पर HA वीक एसिड है, तो क्या होगा बेटा? ये आयनाइज होगा। ठीक है, यहाँ पर आयनाइजेशन होगा। जब ये आयनाइज होगा तो क्या देगा बेटा? H++ ए माइनस देगा है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी लग बेटा, ये जो है इजिली आयनाइज नहीं होगा, जो वीक एसिड है ये आयनाइज होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तुम उसको क्या बोलोगे? हीट ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड या बेस होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हीट ऑफ जो डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है तो क्या होगा बेटा? -13.7 प्लस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये तुम्हारा होगा। अगर वीक एसिड वीक बेस, दोनों जो एसिड बेस है दोनों ही वीक है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू -13.7 प्लस डेल्टा एच, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड प्लस डेल्टा एच आई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बेस। ठीक है, दोनों को तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, माइनस मतलब एनर्जी रिलीज हुआ, ये प्लस है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो जो नेट एनर्जी है, जो नेट रिलीज्ड एनर्जी है वो कम जाए, माने 13.7 से कम हो जाएगा। तो याद रहे बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए माने 13.7, अगर दोनों में से कोई भी एक वीक हो जाए तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो कम होगा, -10 हो जाएगा या फिर -8 किलो कैलोरी पर मोल होगा, है ना। इस तरह से तुम
करोगे क्वेश्चन को, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस कॉलेज का डेफिनेशन देख लो। ये ऊपर वाला जो चार्ट मैंने बताया था बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कम्बशन, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब कि वन मोल सब्सटेंस को हाइड्रेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलोगे। ट्रांजिशन, वन मोल सब्सटेंस का एक फेज से फेज में ट्रांजिशन किया, यहाँ पे से ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हुआ है ना, तो जो एनर्जी यूटिलाइज होगा उसको तुम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन बोलोगे। यहाँ पे सब्लिमेशन है ना, तो ये हीट ऑफ सब्लिमेशन। फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड मेल्ट हुआ है, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे हीट ऑफ मेल्टिंग, हाँ यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन बोलोगे, सब्लिमेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट फॉर्मेशन, तो हेस लॉ तुम्हें मालूम होगा बेटा कि अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी, और इसका जो एंथैल्पी जो डेल्टा एच है दिया गया एक्स, इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो सी गिव्स ए प्लस बी, अगर रिवर्स कर दिया तो डेल्टा एच क्या होगा, माइनस एक्स है ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ हेस। सेकेंड क्या होगा, अगर तुमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तुमने क्या किया, इस रिएक्शन को तुमने एन से मल्टीप्लाई किया, एन ए प्लस एन बी कर दिया गिव्स एन सी, तो जो डेल्टा एच है डेल्टा एच विल बी एन टाइम्स एक्स हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, अगर तुमने दो रिएक्शन को ऐड किया, ए प्लस बी गिव सी, सी प्लस डी गिव्स ई, दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस बी प्लस डी गिव्स ई, दोनों को ऐड करने पर यह मिला बेटा, तो फर्स्ट रिएक्शन का जो डेल्टा एक्स है डेल्टा एच है वो एक्स है, सेकंड रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो एक्स वन, इसको एक्स टू कर देते हैं, एक्स वन इसका एक्स टू है, तो इसका जो डेल्टा एच होगा डेल्टा एच विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू, मतलब रिएक्शन को अगर ऐड करोगे एंथैल्पी भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ टोटल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप्स और इन सेवरल स्टेप्स। बॉर्नहाइबर साइकिल, ये भी तुम्हें मालूम होगा है ना, बॉर्नहाइबर साइकिल से हम लोग लेटेस्ट एनर्जी निकालते हैं, तो लेटेस्ट एनर्जी निकालने के लिए बॉर्नहाइबर साइकिल में हेस लॉ का यूज किया था, ठीक है, तो यहाँ पर हेस लॉ का यूज किया गया, तो जो अलग अलग एनर्जीज को सम कर दिया गया, तो हेस लॉ में यहाँ पर नहीं जाएंगे है ना, डिटेल में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और बताया गया होगा क्लास में, अगर तुम लोग डाउट हो तो बता देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है याद रखना बेटा, इट इज इम्पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम ए हीट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, टू कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क बाय ए साइक्लिक प्रोसेस विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग, विदाउट ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ इट टू ए कोल्ड रिजर्वायर, मतलब कि स्पॉन्टेनियसली हॉटर सिस्टम से, सॉरी कूलर सिस्टम से हॉटर स्टेट की तरफ तुम हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर कूलर सिस्टम है कोल्ड है, यहाँ से एनर्जी तुम हॉट स्टेट की तरफ फ्लो नहीं करा पाओगे, इट इज इम्पॉसिबल, इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी, या डेल्टा से एंट्रॉपी चेंज, याद रखो बेटा डेल्टा से एंट्रॉपी है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है, पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिपेंड करेगा, और ये रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, दस इट इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, डेल्टा इज पॉजिटिव फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, याद रखो यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर डेल्टा इज पॉजिटिव फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, तो अगर आइस मेल्ट होगा तो आइस क्या होता है बेटा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है ना, यहाँ पर इसका जो शेप होगा एक फिक्स शेप होता है यहाँ पर आइस का, टेट्राहेड्रल शेप, जब इसको मेल्ट करोगे तो जो इसका शेप है ना, शेप इसका डिस्टर्ब हो जाएगा और जो पार्टिकल है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन करना शुरू हो जाएगा, तो रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, याद रखो जहां पर रैंडमनेस इंक्रीज होगा वहां पर एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा, नो डाउट, नो सर, ओके। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा एस जीरो होगा, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है देन डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। एंट्रोपी चेंज इन ए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है देन डेल्टा एस विल बी, ये जो फॉर्मूला बेटा याद रखना है ना, फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है,
ये जो फॉर्मूला है याद रहना चाहिए, स्पॉन्टेनियस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिस टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर्स इट्स ओन अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑन ए प्रॉपर इंटीएशन इनिशिएशन फॉर एग्जाम्पल फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, याद रखो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो स्पॉन्टेनियटी है बेटा उसके लिए हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं डेल्टा जी, ठीक है। देखो बेटा जो डेल्टा एस है अगर यूनिवर्स का डेल्टा एस पॉजिटिव तभी सिस्टम और सराउंडिंग जो भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर केवल सिस्टम का सिस्टम सराउंडिंग से केवल सिस्टम का डेल्टा एस पॉजिटिव है तब तुम, या फिर केवल सराउंडिंग डेल्टा एस पॉजिटिव तब भी तुम नहीं बोल सकते बेटा कि जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है। अगर सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों का सम करके तुमने देखा यहाँ पे जो डेल्टा एस है डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज पॉजिटिव then your process will be spontaneous, ठीक है। तो अब सिस्टम और सराउंडिंग पर न जाकर यहाँ पे एक और फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट किया डेल्टा जी। तो डेल्टा जी यहाँ पर तुम्हें सिस्टम और सराउंडिंग देखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें केवल डेल्टा जी देखना होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, और सिस्टम डेल्टा जी अगर नेगेटिव तो सिस्टम क्या होगा तुम्हारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा। एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है तुमने कई बार यूज किया होगा। डेल्टा जी अगर केमिकल इक्विलिब्रियम तुमने पढ़ा होगा बेटा फार्मूला ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट यहाँ पर होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन आर टी एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर कोई जनरल रिएक्शन दिया गया है जनरल रिएक्शन क्या डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस ए प्लस होगा डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, यहाँ पर रिएक्शन कोसेंट क्यू होगा, ठीक है। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है फॉर एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी विच विल बी जीरो, यहाँ देखो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी विल बी जीरो, ठीक है। अगर ये जीरो हो गया जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, तो इसको इस साइड टू साइड ले जाओगे तो ये समझ जाएगा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, याद रहे बेटा इक्विलिब्रियम पर क्यू का वैल्यू के इक्विलिब्रियम होता है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होगा कई बार पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन दे देगा यहां पर। बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, तो जो बॉन्ड एनर्जी है उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन इस तरह से, या फिर इसको है ना जाई से रिप्रेजेंट करता है, जाई लिया फिर एप्सिलॉन। तो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ दैट टाइप ऑफ दैट टाइप इन गैसेस मॉलिक्यूल जिन्होंने बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एच ओ एस ने एच और ओ के बीच बॉन्ड को ब्रेक किया, जो एनर्जी यूटिलाइज होगा उसको तुम क्या बोलोगे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये सब क्या है बॉन्ड एनर्जी जिसका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी तुम कैसे निकालोगे जिसका क्वेश्चन पूछता है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, तो हीट इंजन को कार्नोट इंजन बोलते हैं, कार्नोट हीट इंजन भी बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो होगा एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू है ना एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू वन माइनस टी वन बाई टी टू होगा, ठीक है, वन माइनस टी वन बाई टी टू, टी वन बाई टी टू लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाई हायर टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको ईटा समझ जाता है, ईटा इस तरह से होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ईटा इक्वल टी टू माइनस टी वन बाई टी टू, तो टी टू से डिवाइड कर दोनों साइड, तो वन माइनस टी वन बाई टी टू आ जाएगा। तो टी वन मतलब दो टेम्परेचर, टी टू मतलब हाई टेम्परेचर, एल बाई एच। एफिशिएंसी अगेन इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन टू द सिस्टम, ये भी होता है नेट वर्क डन, यहां पे तुमने कहा नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन, W नेट डिवाइड बाय हीट गिवन, हीट गिवन इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाय T2, ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स था।
इसमें कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, थ्योरी वाले पार्ट में कहीं पर कोई डाउट है तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ उस पार्ट को। नो नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। हेलो, सर कोई डाउट नहीं। हाँ ओके गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल सर बोल रहे हैं आप कुछ? हाँ एक्चुअली उसमें सारांश था ना, ज्वाइन नहीं कर पा रहा था इसलिए। अच्छा मैं नहीं अच्छा सर, वत्सल वत्सल। अच्छा वत्सल, वत्सल स्टार्टिंग में आ गए थे ये लोग तो। नहीं एक और कोई था, कौन था बेटा? वत्सल चला गया क्या? सर मैं था सर हाँ ये वत्सल, ये के साथ। इसमें प्रॉब्लम हो रहा था ज्वाइन करने में। ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है सर मैं फर्स्ट लॉ के नोट से वह दिखा देना सर, एक बारी डाउट था। अच्छा फर्स्ट लॉ का नोट देख लो, ये शॉर्ट नोट है बेटा, इससे इतने से काम नहीं चलेगा। जो तुम्हारा है ना जो डिटेल नोट होगा उसमें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने हटा दिया है, ये जिसका पार्ट है ये वाला तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला। हो जाएगा सर। हो गया? ठीक है। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना होगा। इसमें इजी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर दिया गया है डेल्टा एच का वैल्यू दिया गया है 170 किलो जूल, डेल्टा एस का वैल्यू दिया गया है 170 जूल पर केल्विन। ये किलो जूल में नहीं है, ये जूल पर केल्विन, याद रखना, यूनिट याद रखना है। यहाँ पर किलो जूल है, ये जूल पर केल्विन है, ठीक है? तो यूनिट यहाँ पर सेम रखना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट, तो स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे होगा, कब होगा ये बताना है तुम्हें, ठीक है? तो कब स्पॉन्टेनियस होगा बेटा? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला तुम्हें लगा, ज्यादा होने पे। हाँ तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा दोगे ना, फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एच इक्वल डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। तो स्पॉन्टेनियस मतलब निगेटिव होगा बेटा डेल्टा जी, तो यूज करने पर आ जाएगा। तो यहाँ देखोगे तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस के लिए। डेल्टा एच दिया गया, डेल्टा एस दिया गया, टी पूछ रहा है, ठीक है? तो साइड चेंज कर दो तो आ जाएगा यहाँ से, तो जो टी है टी इज इक्वल टू डेल्टा एच, यहाँ पर टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस। तो ये जो वैल्यू आएगा वहां से लिमिटिंग वैल्यू तुम्हें लेना है यहाँ पर डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस, आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये भी काफी आसान है, आगे देखते हैं कुछ अच्छा समझ जाए। एटिक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एटिक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज दिस एट दिस टेम्परेचर, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पूछ रहा है, तो डेल्टा जी पूछ रहा है ना, तो डेल्टा जी नॉट होते हैं बेटा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। कहीं पर अगर नॉट लगा हो, या तो बेटा नॉट लगा मतलब वो स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है, और डेल्टा एच नॉट लिख दिया गया, डेल्टा जी नॉट लिख दिया गया, डेल्टा एस नॉट लिख दिया गया, यहाँ पर डेल्टा यू नॉट लिख दिया गया। इसका मतलब क्या है बेटा? स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी, स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड स्टेट एंट्रोपी, स्टैंडर्ड स्टेट इंटरनल एनर्जी, ठीक है? और ये सब क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे तुमने पर मोल से डिवाइड किया, पर मोल के लिए निकाल, एक मोल के लिए निकालते हो, मतलब नंबर ऑफ मोल तुम डिवाइड करते हो। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होता है, तो ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है? मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है? ये सब सॉरी स्टेट फंक्शन तो है ही, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है? तो ये चारों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है,
अगर यहाँ पर नॉट ना लगाओ, डेल्टा एस लिखा हो, डेल्टा जी लिखा हो, डेल्टा एस लिखा हो, डेल्टा यू लिखा हो, देखिए अगर बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मास डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, तो अगर नॉट लगा हो तो इंटेंसिव हो जाएगा, याद रहे बेटा ये, है ना, ये तुम्हें मालूम भी होगा वैसे। तो यहाँ पर दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, मैंने पूछा है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एलन के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, रखोगे तो आंसर आ जाएगा। एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन ऑफ ए सर्टेन लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंट्रोपी इन दिस प्रोसेस। एंट्रोपी पूछ रहा है, टेम्परेचर दिया गया है, एंथैल्पी डेल्टा एच दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एस होता है। इस फॉर्मूला का यूज करोगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई टी, तो यहाँ से डेल्टा एस निकल आएगा, अगर डेल्टा एच दिया गया है, टी दिया गया है, तो डेल्टा एस निकल आएगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कहाँ से, फॉर्मूला आया बेटा यहाँ से देखो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर हमको इसको जीरो ज्यूम करना पड़ेगा, अगर जीरो हो जाता है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, है ना, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू टी डेल्टा एस नॉट, यहाँ से टी मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई डेल्टा एस नॉट, ठीक है, तो जो भी निकालना तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। कुछ और बढ़िया क्वेश्चन खोजते हैं इसमें, नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का जीओसी होगा बेटा, जो जीओसी में डाउट होगा तुम लोग लेकर आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मैं बार बता रहा हूँ जीओसी नेक्स्ट क्लास, जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई डाउट है किसी को इसमें जीओसी में? हाँ जीओसी में जो डाउट है लेकर आओगे, ठीक है ना, तो जीओसी में तुम लोग बहुत डाउट है मैंने सुना है ना, तो अभी तक कुछ पूछना है जीओसी का पूछ सकते हो यहाँ पर, फिलहाल तो ये कंप्लीट होने वाला है सर, इसी को खत्म कर लो आज, आज इसी खत्म कर लेते हैं, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको, तो खत्म हो गया है ना, एक एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका नेक्स्ट, क्या कहते हैं मिसकेलेनियस में क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, डेल्टा एस कहाँ पर जीरो होगा, डेल्टा एस कहाँ पर पॉजिटिव है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इस टाइप जो क्वेश्चन है उसको देख लेना, से आप देखो डेल्टा जी दिया है, टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पर, है ना, तो विच व्हाट कैलकुलेट फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ से तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर, है ना, तुम्हें देखना पड़ेगा, तो डेल्टा जी यहाँ पर दिया गया है 50, डेल्टा जी यहाँ टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो, डेल्टा जी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर डेल्टा एच, डेल्टा एस के बारे में क्या होगा, तो डेल्टा जी का तुम यहाँ पर रख दोगे, है ना, तुम्हें मालूम चल जाएगा, जैसे क्वेश्चन अगर इसको करना हो तुम्हें तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है, तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर को अगर तुम इंक्रीज इस साइड ले जा रहे हो, ठीक है, जो तो टेम्परेचर है यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी का वैल्यू देखो डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो डेल्टा जी क्या हो रहा है बेटा, डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल तुम्हें नेगेटिव होना है, ठीक है, ओवरऑल तुम्हें नेगेटिव होना है यहाँ पर, तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तभी टेम्परेचर को बढ़ाने पर डेल्टा जी डिक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो बेटा, दूसरा क्या है, जो डेल्टा जी का वैल्यू है, डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ दिया गया 100 और यहाँ पर दिया गया है 0 पर, देख लो यहाँ पर 0 पर 100 आएगा,
तो जीरो का डेल्टा जी जीरो है, टेम्परेचर यहाँ पर 100 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से तुम डेल्टा एस और डेल्टा यहाँ पर से तुम क्या बना, दो क्वेश्चन बनाओगे बेटा यहाँ पर, देखो कि यहाँ पर एक 100 ले लो, जीरो और 100 ले लो, दूसरा 400 और -50 ले लो, तो दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन तुम डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट निकालो, बस यहाँ कंपेयर करना पॉजिटिव का नेगेटिव, ठीक है। तुमने ये निकाल लिया कि ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी नॉट जो क्या है जीरो है, ये तुम्हारा पॉजिटिव डेल्टा जी नॉट जीरो है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो डेल्टा एच नॉट है वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक बेटा। इसे देखो यहाँ पर जीरो पर मैं देख रहा हूँ, जीरो पर, ठीक है, जीरो पर डेल्टा जी जीरो है, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, तुमने निकाला जो डेल्टा एस नॉट वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन दोनों का जो समेशन है वो जीरो होना चाहिए, तो अगर टेम्परेचर को तुम देखो, टेम्परेचर को डेल्टा एस नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों क्या हो, दोनों मल्टीप्लाई करके ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव में अगर तुम पॉजिटिव ऐड करो तभी तो जीरो होगा ये, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा एस नॉट क्या बेटा, डेल्टा एच नॉट भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस नॉट भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव। तो यहाँ पर तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इस टाइम ये क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, है ना, तो जहां पर न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। यहाँ देखो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl और ये 40 मतलब 40 ml ही यहाँ न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ पर देखो बेटा 60 60, तो 60 से यहाँ पर मैक्सिमम न्यूट्रलाइजेशन होगा, यहाँ देखो तो 40 ml ऑफ पॉइंट, यहाँ 40 ml ही न्यूट्रलाइज होगा, 1 इक्विवेलेंट एसिड विल न्यूट्रलाइज 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैक्सिमम न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम न्यूट्रलाइजेशन होगा वहीं पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, वहां वहीं पर ही ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा। दूसरा देख लेते हैं एंट्रोपी, ये हो गया सेकंड लॉ, हेस लॉ पर कुछ देख लेते हैं, हेस लॉ थर्मोडायनेमिक्स, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है इस्लाम में जो है ना, कि दो रिएक्शन दिया रहेगा, एक्स वाई में इसका वैल्यू दिया रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल का वैल्यू दिया रहेगा, एक तीसरा क्वेश्चन दे देगा, रिलेशन दे देगा, पूछेगा उस रिएक्शन का एंट्रोपी क्या होगा या फिर एंथैल्पी क्या होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, दूसरा दिया गया, दोनों में एक्स वाई में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। अब तुम इस दोनों को क्लोजली रिलेट करोगे, देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मिथेन हो रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्शन तुमने उल्टा कर दिया, देखो यहाँ पर सी एच फोर है ना, इस रिएक्शन को उल्टा करके इसका हाफ कर दिया है, ऊपर तो देखो यहाँ पर 2H2 था, यहाँ पर ठीक है बेटा, तो इसको उल्टा कर दिया है, लेकिन रिलेशन देखो सेम नहीं, यहाँ पर 4H है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर H2 है, मॉलिक्यूल दिया गया है, तो हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है और मीथेन, इसको कैसे करोगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो जो फर्स्ट रिलेशन दिया गया है ना, तो सेकंड का वाई हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्या बेटा, फर्स्ट जो दिया गया है उसमें दिया गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू एक्स किलो जूल पर मोल, तो यूनिट को हटा देते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दिया गया है। सेकेंड रिलेशन को लिखेंगे कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 इन गैसियस स्टेट गिव्स CH4, ठीक है, CH4 इन गैसियस स्टेट, और यहाँ पर जो एंथैल्पी दिया गया है वो y दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू मल्टीप्लाइड विद हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस,
ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे तो एंथैल्पी ऑपरेशन मतलब y इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो ये दिया गया है x, ठीक है, हीट ऑफ तो x दिया गया है, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, तो यहाँ पर इसका वैल्यू मान लेते कुछ होगा, ठीक है, मान लेते इसका वैल्यू स्मॉल a है, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर कोई एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ए, मतलब कि जो वाई का वैल्यू है, जो एक्स का वैल्यू है, एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन वाई, देखो वाई प्लस ए आ रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ए, अगर तुमने इस यहाँ पर जो ए है ये को हटा दिया, तुमने ए को डिक्रीज कर दिया, मतलब जो राइट हैंड साइड है वो कम हो गया, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये को हटा दिया यहाँ से, है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y होगा, हीट ऑफ टेंशन ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस 13, उसका जो वैल्यू बताया था मैंने 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, तो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, तो यहाँ पर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई बेटा 4.2 होगा, ठीक है, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल पर मोल, 57 आता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का, तो यहाँ पर भी रिएक्शन दिया गया है डायमंड से ग्रेफाइट कन्वर्ट करने के लिए, जो डेल्टा एच होगा क्या होगा, तो रिएक्शन को देखना है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखो, फॉर द रिएक्शन कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ ऑटो गिव सीओ इन गैस स्टेट एट 298 केल्विन एंड 180 प्रेशर, डेल्टा एच इक्वल टू -26.4 किलो कैलोरी, वट इज डेल्टा ई इफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज 0.0053 लीटर, तुम लोग करो बेटा इसको, देखो कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करो करो क्या आ रहा आंसर है इसका, हो रहा है बेटा सारांश वरुण वत्सल, हो रहा है क्वेश्चन अजय, सर एक मिनट,
मतलब फॉर्मूला क्या यूज करोगे यहाँ पर? सारांश चला गया तो बेटा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, याद रखो बता रहा हूँ यहाँ पे जो फॉर्मूला से जाता है, याद रखो बेटा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है ना। तो बस तुम्हें यहाँ पर डेल्टा एन जी वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा एन जी यहाँ पर क्या होता है बेटा, या कार्बन क्या है, ये जो कार्बन दिया गया कार्बन सॉलिड है, इसका यूज नहीं करोगे यहाँ पर मोलर वाली में कुछ भी, यहाँ पर कुछ यूज नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा एन जी यहाँ पर होगा वन माइनस हाफ, वन माइनस वन बाई टू, तो कितना आ रहा है बेटा वन बाई टू आ रहा है। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू तुम वन बाई टू हाफ रख दोगे। डेल्टा एच दिया गया है, ठीक है, डेल्टा ए पूछ रहा है, डेल्टा मतलब डेल्टा यू पूछ रहा है, आ जाएगा। बस याद रखो जो आर का वैल्यू है ये तुम्हें इस साइड रखना होगा यहाँ पर, और कैलोरी में रखना पड़ेगा, किलो कैलोरी में इसका वैल्यू होता है टू मल्टीप्लाइड बाई टेन पावर माइनस थ्री, ये किलो कैलोरी में आ जाएगा आर का यूनिट। तो किलो कैलोरी रखोगे तो जो आंसर तुम्हारा किलो कैलोरी में आएगा, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। क्या अगर डेल्टा एनजी, अगर डेल्टा एनजी आरटी की जगह पीवी लेंगे तो, क्योंकि प्रेशर भी दे रखा है वॉल्यूम भी दे रखा है। प्रेशर और कहां पर किसका बेटा प्रेशर दिया गया है, प्रेशर 1 एटीएम, ठीक है वो भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये भी तो फार्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, ठीक है, डेल्टा ऑफ पीवी, तो ये फार्मूला तुम्हारा होता है, ठीक है। तो डेल्टा पीवी कैसे निकालोगे, ये होगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये तो डेल्टा पीवी, ठीक है बेटा। तो ये रखकर तुम निकालोगे डेल्टा पीवी, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने किया होगा सब, कर ले रहे बेटा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछोगे, इसका डिक्री भी मैं अपलोड करवा दूंगा आज, थर्मोडायनेमिक्स को तुम सॉल्व करना, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री में डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना बेटा, और नेक्स्ट क्लास से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, फिर ऑर्गेनिक चलता रहेगा, जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं होता तब तक ऑर्गेनिक चलता रहेगा, जो भी डाउट ऑर्गेनिक में पूछते रहोगे, ठीक है। तो जो फिजिकल है